हेलो स्टूडेंट, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट इन फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज अ इम्पोर्टेंट एज वेल एज लेंथी चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज इक्विलिब्रियम। और ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, वो हमने थर्मो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, आज हम उसको एक पूरा चैप्टर दे रहे हैं, ये वर्ड जो है इक्विलिब्रियम को। तो सबसे पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, दैट इज एप्लीकेबल फॉर विच प्रोसेस। सो इन थर्मोडायनेमिक्स आई टोल्ड यू रिगार्डिंग प्रोसेस टू कैटेगरी, वन इज इरिवर्सिबल एंड सेकंड इज रिवर्सिबल। तो सबसे पहले तो इतना हम क्लियर करते हैं कि ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैं जो भी पॉइंट्स अभी बता रहा हूँ, आज फर्स्ट लेक्चर हमारा है इंट्रोडक्शन के बेस पे, तो टाइटल जो है उसको पहले माइंड में सेट करना है। ओके, ब्लड में सेट करना है। तो लिखो, इक्विलिब्रियम ऐसा नोट करके लिखना, इक्विलिब्रियम is not applicable, equilibrium is not applicable for irreversible process, irreversible process. Second point, irreversible means process occurs in only one direction. Next point, at the end of process only product is there. for example, irreversible process, इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल AgNO3 aqueous, aqueous का मीनिंग होता है ये सॉल्यूशन। तो ये ग्लास का बीकर है, उसमें हमने पानी दे दिया, पानी में आपने सॉल्ट डाला AgNO3, सो AgNO3 अंडरगोस डिसोसिएशन एंड separate into Ag plus and NO3 minus. So this is a soluble salt. Okay, when it will dissolve again, you can't see through naked eye. आप naked eye से नहीं देख सकते, like NaCl water. Okay, तो ये solution है। साथ में दूसरा solution हम बना रहे हैं, that is HCl aqueous. ये दूसरा बीकर है, इस पे आपने solution दिया है HCl, that is H plus and Cl minus again water. Clear? So first of all, you have to prepare two solution, aqueous solution. Okay? Aqueous means in water, by dissolving AgNO3 in one beaker and in another beaker dissolve HCl. So this is a two solution. Now what we have to do? So then we have to mix these two solution together in third vessel. So ये हमारे पास है नई vessel. तो इसमें आपने ये दोनों को मिक्स कर दिया। सो व्हाट हैपेंड, वाटर तो होगा सिंपली, पानी तो रहेगा, यहाँ भी पानी है, तो इसमें भी पानी रहेगा। और इसमें यहाँ से दो आयन आएंगे Ag प्लस NO3 माइनस, और यहाँ से दो आयन आएंगे। तो मान लो कि Ag प्लस है, NO3 माइनस है, यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस। नाउ व्हाट हैपेंड, सो क्रॉस कनेक्शन विल बी देयर, सो Ag प्लस कंबाइन विद Cl माइनस, ये दोनों आयन जो है वो सेपरेट नहीं रहे, अब दोनों कंबाइन हो जाते हैं, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इज लेस इन वाटर, वी विल स्टडी इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो व्हाट हैपेंड, सो वी हैव HCl इन व्हिच फॉर्म, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म, तो इसका मीनिंग होगा ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, Ag प्लस सराउंडेड बाय Cl माइनस सराउंडेड बाय Ag प्लस, सो फाइनली वी हैव HCl सॉलिड, that is precipitate, and you can observe through naked eye.
तो सॉल्यूशन है उसमें ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ओके। और कंबाइन होने के बाद आपको AgCl जो मिलेगा, AgCl को किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में, जो यहाँ पे आप ले सकते हैं या तो नीचे भी अवेलेबल है, दैट इज PPT। और ये दोनों कंबाइन नहीं होंगे, तो कंबाइन नहीं होंगे तो आपको ऐसे लिखना है HNO3 लाइक दिस, HNO3 एक्वस। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और फाइनली आप देखना कि जो बीकर है उसमें आपको AgCl मिलेगा और HNO3 मिलेगा फिनिश। यू कैन नॉट ऑब्जर्व AgNO3, यू कैन नॉट ऑब्जर्व HCl, द ए दोनों आपको यहां पे नहीं मिलेंगे। दिस इज द केमिकल प्रोसेस, ओके, बट इरिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी फास्ट, ये समझने कर्म में पढ़ लिया है। इरिवर्सिबल जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, विद इन शॉर्ट टाइम दिस प्रोसेस विल कंप्लीट एंड एट द एंड ऑफ प्रोसेस वी डू नॉट हैव HCl, वी डू नॉट हैव AgNO3, वी हैव ओनली टू कंपोनेंट AgCl दैट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड अनदर सॉल्यूशन दैट इज HNO3। इसको आप फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्ट्रेशन, तो आपको AgCl मिलेगा किस फॉर्म में, सॉलिड ऑन द फिल्टर पेपर, बिकॉज AgCl कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, सो AgCl डिपॉजिटेड ऑन फिल्टर पेपर एंड थ्रू पोर्स ओनली सॉल्यूशन ऑफ HNO3 विल पास। इन दोनों का आगे जाके सेपरेट कर सकते हो, इज इट क्लियर। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो डायग्राम को कर लो, एक फोटो निकाल लो इरिवर्सिबल के बारे में। और एक ही डायरेक्शन में रही है लाइक दिस, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल, इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एक क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, reversible means process occurs in both direction, forward as well as backward. लिखते जाओ, reversible means process occurs in both direction, forward as well as backward. Next, initially rate of forward is more than rate of reverse or backward. So resultant process occurs in forward direction. ये मैंने आपको थर्मो में भी बताया था कि मान लो कि हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो इनिशियली कितने स्टेप आगे, फाइव स्टेप आगे गए, दैट इज अ फॉरवर्ड, क्लियर। और वापस कितने स्टेप आए, दो स्टेप। तो मुझे बताओ, आप पांच स्टेप आगे गए और दो स्टेप पीछे आए, तो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आप तीन स्टेप किस डायरेक्शन में अचीव किए, फॉरवर्ड। बात समझ रही है, मैं पांच स्टेप आगे जा रहा हूँ, ओके, दो स्टेप में वापस आ रहा हूँ, तो ओवरऑल मेरे तीन स्टेप जो रहेंगे वो फॉरवर्ड रहेंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे ही होती है, और इनिशियली उसका नेचर भी ऐसा होता है, इनिशियल लेवल पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड, और ये चलता रहेगा, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर सम टाइम rate of forward and rate of backward becomes equal, that condition is known as equilibrium, ठीक है। मतलब पांच स्टेप आगे भी मैंने बहुत बार आपको बताया है, नवराजा का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, दांडिया का, ठीक है, पांच स्टेप आगे दो स्टेप पीछे, तो ओवरऑल तीन स्टेप आप आगे जाओ, ठीक है। पर एक क्वेश्चन, यहाँ पे आगे फिर आप आगे जाओ, फिर वापस आओ, आगे जाओ, वापस आओ, यहाँ पहुंचने के बाद आप पांच स्टेप आगे गए,
और दोनों की जब रेट सेम हो जाएगी तो आपकी जो पोजीशन है दैट फिक्स। प्लस पहले तो यहां से ना, यहां से आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज द मैक्सिमम, क्लियर। और यहां पहुंचने के बाद प्रोसेस बंद हो जाएगी और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में रिजल्ट जीरो हो जाएगा, रिजल्ट जीरो, प्रोसेस देखो कंटिन्यूअस है, आगे पीछे कंटिन्यूअस है बट इन सेम रेट। इसीलिए रिजल्ट जो आपका है वो जीरो आता है। आपके अकाउंट में 1000 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, आपने 10 रुपीज किसी को दिए, 10 रुपीज आपने किसी को दिए, आपके पापा ने आपको 10 रुपीज दिए, आपने वापस 10 दिए, आपके पापा ने 10 दिए, आपके पापा, तो प्रोसेस तो कंटिन्यूस है लेकिन जो अकाउंट है उसमें जो अमाउंट है दैट इज कॉन्स्टेंट एंड दैट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्लियर। तो केमिस्ट्री में भी ऐसी कंडीशन जब आती है वो कंडीशन पे हमें फोकस करना है, वो कंडीशन आने के बाद उसकी जो रिजल्ट है उसको हमें स्टडी करना है ये पर्टिकुलर चैप्टर में। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है वो पहले आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। दूसरी बात, चलो रेट तो सेम हो गए लिखा हुआ आपने, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रेट तो सेम हो गई, रेट सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, साथ में और क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी वो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ द स्पीड, ओके, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड rate of backward are equal while some parameters like pressure temperature concentration color level etc remains constant according to process। मतलब जैसे थर्मो में हमने पढ़ा था वो टेम्परेचर वाला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आपने देखा होगा एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एंड दैट इक्विलिब्रियम इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस में कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट हो गया। मान लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ दैट इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम, इन सम केस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट सो यू कैन से प्रेशर इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, level constant that is level equilibrium, color constant, intensity of color constant that is color equilibrium, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, बात समझ आई। तो रेट तो कोई भी प्रोसेस में सेम होगी लेकिन जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट हो जाते हैं, पहले वो कांस्टेंट नहीं थे, पहले वो वेरिएबल था लेकिन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई तो पैरामीटर जो था वो भी कांस्टेंट हो गया, जिससे आपको पता चलता है यस नाउ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस होती है वो क्लोज वेसल में होती है पर हम तो वेसल के बाहर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। सो यू हैव टू टेक सम रीडिंग, यू हैव टू टेक फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल एंड टेक रीडिंग एट डिफरेंट इंटरवल, टाइम इंटरवल, एंड इफ यू ऑब्जर्व पर्टिकुलर पैरामीटर इनिशियली चेंजेस बट आफ्टर सम टाइम इट्स वैल्यू रिमेंस कॉन्स्टेंट, इट इंडिकेट दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये सब पढ़ेंगे, डिटेल में टेंशन की कोई बात नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ओके। एंड रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम देयर आर वी डिवाइड केमिकल प्रोसेस इनटू थ्री कैटेगरी, सो राइट डाउन रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन डिवाइड chemical process in three category। chemical process का meaning होता है reactant,
we are interested in chemical ingredient that convert into product. Reactant convert into product. Number one. In some case, amount of reactant is negligible. Amount of reactant is negligible compared to product. मतलब इसमें क्या होगा कि रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आ जाएगी और वहां पे प्रोडक्ट भी होगी रिएक्टेंट भी होगा लेकिन रिएक्टेंट बहुत कम है यू कैन नॉट मेजर तब उसको क्या प्रोडक्ट निकलेगा तो ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जहां पर रिएक्टेंट बहुत कम होता है सेकंड इन सम केस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू रिएक्टेंट इसका मीनिंग क्या हुआ प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होगी मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ विद इन शॉर्ट टाइम इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट वेसल के अंदर ही है अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई उसके बाद तो रिजल्ट हो जाता है ठीक है एंड थर्ड इन सम केमिकल रिएक्शन amount of reactant and product measurable okay मतलब उसमें आप reactant की quantity और product की quantity measure कर सकते हो तो यहाँ पे जो chapter में हम study करने वाले हैं basically third category के basis पर study करेंगे जैसे clear ये concept भी आपका clear होना चाहिए और equilibrium condition जब आती है तो प्रोडक्ट फिक्स हो जाएगी फिर आप बोलोगे सर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा होगा मान लो कि हम रिएक्शन को पढ़ेंगे रिएक्टेंट कन्वर्ट इन टू प्रोडक्ट आर गिव्स पी आर पी आर फॉर रिएक्टेंट पी फॉर प्रोडक्ट ओके तो मान लो कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ विद इन वन आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश एंड इफ यू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देन यू हैव जस्ट 70% प्रोडक्ट इसका मीनिंग क्या हुआ 30% रिएक्टेंट एज इट इज है अभी क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा तो कंडीशन आ गई कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन के बाद प्रोडक्ट अपने आप चेंज नहीं होता तो मान लो कि आपको 70% प्रोडक्ट मिली है बट यू कैन नॉट सेटिस्फाई फॉर दिस रिजल्ट तो क्या करोगे रोने लगोगे क्या तो ये चैप्टर में हमें फैक्टर भी पढ़ने हैं सम फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब वो फैक्टर आप अप्लाई करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है तो ये सब भी पढ़ना है ये चैप्टर में हम देखेंगे प्रोडक्ट को कैसे बढ़ाया जा रहा है ये सब हम इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर से हमें पता चल जाएगा कि चलो प्रोडक्ट जो मिलती है उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ रिगार्डिंग अमाउंट क्वांटिटी ओके आप वो क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो वो सब इसमें पढ़ना है हाँ लेकिन जब आप नॉलेज आपके अप्लाई करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बढ़ भी सकती है दो कैटेगरी ठीक है जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम में आपका 70% रिजल्ट आया आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो फिर क्या करोगे आपको 80% लाना है उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका फैक्टर पॉजिटिव रहा तो 70 से 80 हो सकता है लेकिन नेगेटिव हो गया उसकी फैक्ट तो 70 का 60 भी हो सकता है दोनों साइड के नॉलेज के लिए होने आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला पढ़ता था ना इसीलिए मेरा रिजल्ट 70% आया चलो मैं फ्रेंड के साथ पढ़ता हूँ उसके घर पर जाकर पढ़ता हूँ या तो उसको मेरे घर पर बुलाता हूँ अच्छी बात है तो क्या फ्रेंड आने से आपका रिजल्ट 80 हो जाएगा No guarantee. That depends on friend. वो friend कैसा है उस पर depend करता है अच्छा friend है तो 70 का 80 भी आ सकता है Otherwise, 70 का 60 भी आ सकता है तो friend का जो selection है वो बहुत proper होना चाहिए तो ये सारी बातें हम detail में chapter में पढ़ने वाले हैं Okay? Again, I mean, equilibrium is very very important and interesting chapter in chemistry. Okay? ये सब हम पढ़ने वाले हैं और एक पूरा जो चैप्टर है वी हैव टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू थ्री कैटेगरी
ये भी आप याद रख लेना। ओके तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपको बता दूं, जैसे H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, फिजिकल का एग्जाम्पल है। सेकंड H2O लिक्विड टू H2O गैस, ये भी फिजिकल का एग्जाम्पल है। ओके दिस टू एग्जाम्पल रिलेटेड विद फिजिकल प्रोसेस। ओके थर्ड PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, मैकेनिकल का एग्जाम्पल है। फोर्थ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो एग्जाम्पल किसका है, केमिकल का है। तो इक्विलिब्रियम में इसका हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस के, तो ये क्लियर हो गया। और ये पूरा जो चैप्टर है उसके मैं सेक्शन आपको बताऊं कि पूरा चैप्टर हमें तीन सेक्शन में पढ़ना है, पूरा चैप्टर हमें तीन सेक्शन में पढ़ना है, याद रखना। Three parts. Okay. Part one. Very easy. और छोटा भी है. Okay. That is physical equilibrium. Equilibrium general मैंने आपको बता दिया. तो first part रहेगा हमारा physical equilibrium, मतलब physical process जो होती है उसमें equilibrium में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके इसके बाद रहेगा पार्ट टू। पार्ट टू जो हमारा रहेगा दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पार्ट थ्री, पार्ट थ्री दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, ये भी पढ़ेंगे। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। पार्ट वन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी हम एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज मैंने इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या है वो बता दिया, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन वाइज। लेकिन जब भी आपके दिमाग में सामने से कोई वर्ड आता है इक्विलिब्रियम, तो इंस्टेंट आपको थॉट में अप्लाई करना है न्यूटन्स थर्ड। इक्विलिब्रियम वर्ड आता है तो आपके दिमाग में इतना तो रिएक्शन आना ही चाहिए, इक्विलिब्रियम ऑब्जर्विंग रिवर्सिबल प्रोसेस नंबर वन। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मींस व्हाट, इट अकर्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ये भी क्लियर हो गया। गुड, नाउ नेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड इज मोर देन रेट ऑफ बैकवर्ड, ये भी क्लियर होना चाहिए। After some time, both rate becomes equal, result zero, and that condition is equilibrium condition. ये बताओ आपसे। Clear? और जब equilibrium condition आती है, तो characteristics clear होनी चाहिए कि वहाँ पर rate same हो जाती है। Forward और backward की rate same हो जाती है, और जो parameters होते हैं according to process, वो constant होते हैं। तो इतना याद रखना, rate same, parameter constant. इतना तो क्लियर है। कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होगा वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, क्लियर। और वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल में केमिकल रिएक्शन होगा, रिएक्टेड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा और थोड़ा ये रहेगा आयनिक। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा दैट इज पार्ट 1, एंड पार्ट 2 दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। ओके तो कुछ नेचुरल प्रोसेस भी है, ठीक है, जिसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन जो सब टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बॉडी के रिलेटेड, हीमोग्लोबिन O2 सब का रिलेशन भी रहता है थोड़ा, तो इसे हम थोड़ा पढ़ लेंगे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए, नेक्स्ट लेक्चर से हमारा पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।